अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलफेज। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक आज का बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है वो लोग जो कि परेशान रहते हैं कि उनके जिस्म में से आग निकलती है। जैसे गर्मियों का मौसम आने वाला है तो लोग बड़े परेशान होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता, उनके जिस्म में ऐसे होता है जैसे आग लगी हुई है, उनके मैदे में बहुत ज्यादा गर्मी होती है जिसकी वजह से उनके स्किन के ऊपर पिंपल्स निकल आते हैं बाद दफा, वो इस चीज से बड़े परेशान होते हैं। तो ये वीडियो आज की उन लोगों के लिए जो इस चीज़ का हल चाहते हैं, यानी वो चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ हमें बताई जाए जिसकी मदद से वो इस चीज़ से छुटकारा हासिल कर सकें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दिया करें ताकि जो भी मैं वीडियो अपने इस चैनल पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक लाजमी पहुँच जाए। आज जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ उसको आपने खुद इस्तेमाल करना है, सिर्फ 3 से 4 दिन इस्तेमाल करें और रिजल्ट आपके सामने होगा इंशाल्लाह। आपको इतना फायदा होगा, 4 दिन के अंदर अंदर आपका ये मसला खत्म हो जाएगा। यानी जो आपके जिस्म में आग लगी हुई होती है ऐसे फील होता है जैसे हमारे अंदर पता नहीं किसी ने आग लगा दी हो, आपके मैदे में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, उस चीज को फौरी तौर पर यह खत्म भी करेगा और इसका रिजल्ट आपको 4 दिन के अंदर मिलेगा। यानी 4 दिन के बाद आपको इस चीज से परेशान होने की जरूरत नहीं, यानी आपके जिस्म में कभी गर्मी महसूस नहीं होगी आपको और आप इसको रेगुलर बेसिस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीका इस्तेमाल का मैं आपको बताता हूँ वीडियो के एंड में, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक पूरा देखिएगा ताकि कोई ऐसी चीज ना हो जो आपको समझ में आए। मेरे पास ये पड़ा हुआ है गोंद का तीरा, ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ऐसे क्रिस्टल की तरह होता है, ठीक है, जैसे फटकड़ी होती है ना, फटकड़ी बिल्कुल वैसा ही है। अब ये गोंद का तीरा जो है, अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये आपको मिलेगा कहाँ से, ये सिंपली आपने पानी में भिगो के रख देना, यानी 3 से 4 दाने गोंद का तीरा के आपने रात को पानी में भिगो के रख देने हैं। सुबह उठ के आपने गोंद का तीरा निकाल के एक गिलास ठंडे दूध में डाल के पी लेना। इसको जब आप पानी में भिगोएंगे ये बिल्कुल फूल जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल नरम हो जाएंगे और ये इतनी तासीर इनकी ठंडी होती है ना, बहुत ज़्यादा तासीर इनकी ठंडी होती है, ये आपके मैदे की गर्मी को ख़त्म कर देगा। 4 दिन इस्तेमाल करें, 4 दिन के बाद आपको फ़र्क खुद महसूस होगा कि आपका ये मसला कितनी जल्दी हल हो गया। ना आपकी स्किन के ऊपर कोई दाने निकलेंगे, ना आपके माथे के ऊपर कोई दाने होंगे, ना आपके जिस्म के किसी हिस्से पर कोई दाना निकलेगा, ये आपका मसला फौरी तौर पर हल कर देगा। इसको आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में मामूल बना लें इसको इस्तेमाल करने का, यानी रात को भिगो के रख दें, सुबह को दूध में डाल के एक गिलास ठंडे दूध में डाल के पी लें, बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है। अब ये आपको सिर्फ और सिर्फ किसी हकीम के पास मिलेगा या किसी बंसार की दुकान से मिलेगा गोंद का तीरा, बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।